अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे, मैं दुआ में भी याद रखूँगे। आज हम लोग जाएंगे वन एयरपोर्ट के नाम से एक कैफ़े है जो कि 5 बत्ती सर्कल पे लोकेटेड है, फिलोस कैफ़े के सामने। काफ़ी हमने इनका नाम सुना है और काफ़ी टाइम से हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए सीधा वहाँ पर चलते हैं, 5 बत्ती चौराहा और फिलोस कैफ़े के एकदम सामने वन एयरपोर्ट। राफिस भी हमारे साथ में, राफी को पिक करेंगे, उसके बाद हम लोग वन एयरपोर्ट कैफ़े चलेंगे। देखिए अभी सामने 5 बत्ती सर्कल आ चुका है, इससे हम लोग जाएंगे राइट की तरफ जो कि अपन एयरपोर्ट रोड की तरफ जाते हैं उस तरफ। उसके बस फिलोस कैफ़े के एकदम सामने ये वन एयरपोर्ट के नाम से कैफे। चलिए सीधा वहाँ चलते हैं। हम लोग इधर हम लोग जाएंगे, ये देखिए आगे वन एयरपोर्ट के नाम से जो इनका कैफे है, रेस्टोरेंट है, गार्डन रेस्टोरेंट है। तो बस हम लोग 5 बत्ती सर्कल के उधर जो वन एयरपोर्ट है वहाँ पे आ चुके हैं। हमारे साथ मुराफे भी है, किस्मा था, रमजा भी है इस बार। तो किस्मा कहाँ है? किस्मा हाँ हाँ, चलो चलेंगे अंदर। चले चले, ये देखिए हमारे सामने वन एयरपोर्ट के नाम से जो हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी गई, आप सब सुन टोल तो शायद आवाज़ थोड़ी बैठी भी है, तो सब लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। देखिए वन एयरपोर्ट कितना ज़बरदस्त इन्होंने एम्बियंस क्रिएट किया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ का, मतलब एक कहीं रेस्टोरेंट में आते तो अच्छा सा मतलब एक फील आता है, तो यहाँ पे मुझे वैसा फील ज़बरदस्त मेरे को, मतलब इनका जो एम्बियंस है बहुत ज़बरदस्त है। क्या आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। फर्स्ट टाइम आए नहीं, जबरदस्त उन्होंने यहाँ बैठेंगे इंशाल्लाह। यहाँ बैठते हैं और यहाँ का एम्बियंस भी अच्छा लग रहा है, और मुझे बाहर खाना खाना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग सब फैमिली के साथ में हम लोग बैठते हैं। टेबल फॉर एट, राइट, हम लोगों को टेबल मिल चुकी है, हम लोग वहाँ बैठेंगे। तो चलिए हम लोग वहाँ चल के बैठते हैं, फिर बाद में इनका पूरा रेस्टोरेंट दिखाएंगे और इंशाल्लाह पूरा मेन्यू भी इनका दिखाएंगे आपको। चलिए किधर बैठे हैं? मैं इधर सामने आपको बता दें, जब हम लोग फैमिली के साथ बाहर खाना खाएंगे। आज हम लोग वन एयरपोर्ट पर आए हुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ का एम्बियंस है माशाल्लाह। तो अब हमारे सामने इनका मेन्यू है, यहाँ का काफ़ी मुझे नाम सुना है, जैसे हैदराबादी दम मैगी काफ़ी फेमस है, हम लोग भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग ऑर्डर करेंगे और फिर यहाँ का पूरा खाने का रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। और पूरी रेस्टोरेंट भी आप जो है यहाँ पे इनका एम्बियंस और भी इनके पास सीटिंग स्पेस होगी वो भी हम लोग दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या राफ है? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। चलो पूरा मेन्यू देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऑर्डर करेंगे। और माशाल्लाह सब कुछ हलाल है, तो आप यहाँ पर नॉनवेज भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए आप इंडियन स्टार्टर्स सबसे पहले है ये, जो कि मैंने बताया था आपको, हैदराबादी दम मैगी है, सब शबनम कबाब है, मतलब काफ़ी सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम मिल जाएंगे यहाँ पे। पूछेंगे इनसे कि यहाँ पर क्या फेमस है। अराउंड द वर्ल्ड का इनके पास एक अलग सेक्शन है, यहाँ पे पिज़्ज़ाज हैं, नूडल्स है, चिकन, चाइनीज़ और सब कुछ उन्होंने मिक्स किया हुआ इसमें। उसके बाद आप मेन कोर्स में आ जाएँ, मेन कोर्स में दाल है, दाल मखानी है। दाल मखानी सब जगह अच्छी नहीं मिलती बिकॉज पूरी रात बनती है। यहाँ का हम लोग देखते हैं, ट्राई करेंगे। लाल मास काफ़ी सुना है हमने यहाँ का। अब राइस में इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, सूप है, ब्रेड्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ब्रिजेस में है। मुझे आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है लेकिन आप उसको, आई होप कि आप उसको माइंड नहीं करेंगे। पूरा मेन्यू हमने आपको दिखा दिया है, हम लोग उनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या फेमस है। मैगी तो हम लोग ऑर्डर करेंगे, उसके अलावा देखते हैं और क्या क्या हम लोग ऑर्डर करते हैं। माशाल्लाह हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, हम लोग क्या क्या ऑर्डर करेंगे लाफे? हम लोग भैया एक तो हैदराबादी दम मैगी कर देना और एक हल्दी मास कर देना। हल्दी मास में हाफ में कितने पोर्शन आए, मतलब कितने पीसेज आएंगे?
चार पीस आएंगे तो ऐसे करो आप एक तो ये कर देना फुल कर देना, नहीं सॉरी एक हाफ हल्दी मास कर देना और एक हाफ लाल मास कर देना, ठीक है। एक ये गोश्त दम बिरयानी कर देना, नहीं गोश्त दम बिरयानी उसमें कितने, वैसे कितने पीसेज आएंगे उसमें आपने ये दम बिरयानी में कितने पीसेज आएंगे? दम बिरयानी में चार पीस, चार पीस आएंगे ना। तो ये एक तो मैगी हो गई, एक ये हाफ लाल मास हाफ हल्दी मास और एक हो गया गोश्त दम बिरयानी, ये सब चीज़ें लेके आए। तो मैं एक ऑर्डर वापस रिपीट कर देता हूँ, एक तो है। तो बस हम लोगों ने क्या ऑर्डर दिया राफे? हम लोगों ने एक तो जो यहाँ का फेमस हैदराबादी ये दम मैगी है वो किया है, और जो हमको सर ने एडवाइस दी कि हल्दी मास ट्राई करना वो हमने ऑर्डर किया है। एक लाल मास भी किया है और एक बिरयानी ली हमने गोश्त दम बिरयानी। ये सब चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कैसा कैसा जाता है। उसके बाद में इनकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप आराम से इनको नेविगेट भी कर सकते हैं गूगल मैप्स मैप्स पे जाके, वहाँ पे इनके नंबर भी होंगे तो आप आराम से इनको फ़ोन कर सकते हैं। चलिए वेट करते हैं हमारे। हम लोगों ने हमारी टेबल चेंज कर ली है, हम लोग यहाँ बैठेंगे बिकॉज बाहर शायद ये लोग स्मोकिंग अलाउड करते हैं तो शायद बिकॉज, लेकिन हम लोग बिल्कुल स्मोक नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ बैठेंगे यहाँ पे अंदर, यहाँ अच्छा रहेगा और मज़ा भी आएगा। यहाँ पर ये देखिए पूरा ये वेल फर्निश और अच्छा एम्बियंस इन्होंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। चलो यहाँ पे इनका ये शायद ये लाइव बैंड भी यहाँ पे करते हैं शायद, लेकिन आज तो ये बच्चे कर रहे हैं हमारे। चलो हम लोग बैठेंगे यहाँ, बैठेंगे यहाँ पे, बैठेंगे सर यहाँ बैठेंगे। बस हम लोग यहाँ अंदर आ गए हैं, यहाँ के जो ओनर उन्होंने बताया कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वो करे थे उनको मना कर देंगे वो तो फिर, लेकिन अब हम लोग यहाँ अंदर बैठ गए हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है क्योंकि वो खुलेआम करे तो उन्होंने सोचा कि शायद स्मोकिंग अलाउड होगी, लेकिन यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। फिर भी हम लोग अंदर आ गए तो अच्छा, मतलब यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं यहाँ पे, बिल्कुल ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हाँ हाँ चलो हम लोग हमारे ऑर्डर का वेट करते हैं। तो ये देखिए हमारा सब खाना आ चुका है, तो ये इनका क्या क्या भैया, ये हल्दी मास, हल्दी मास ये है और ये लाल मास है। और ये देखिए दम मैगी, एकदम मैगी है, इसको अब हम लोग खोलेंगे। और ये दम बिरयानी। तो चलिए हमारा ये हल्दी मास है, ये लाल मास है, ये मैगी है और ये दम बिरयानी है। चले बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मैगी, ये बिरयानी, ये सॉरी ये बिरयानी है, भैया आपको पता नहीं था ये पूरी बिरयानी है। पहले बिरयानी फ्राई करेंगे, मैगी फ्राई करेंगे। ये लाल मास है, ये नहीं ये कौन सा मास है, ये हल्दी मास है, ये लाल मास है और ये बिरयानी। देखिए आप चावल एकदम खुले में माशाल्लाह, बड़े बड़े चावल दे देखिए काफ़ी। ये राफी साहब के भी सर्व इन्होंने कर दिए, दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जबरदस्त काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखते हैं टेस्ट में। टेस्ट आएगा, मैगी ट्राई, मैगी सर्व करेंगे फिर हम लोग सब एक साथ ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी मैगी जो कि काफ़ी फेमस है अभी, मटका मैगी, ये देखिए खुशबू खुशबू आवाज है। ये हमारी मटका मैगी, तो बस राफी को भी सर्व करेंगे फिर हम लोग ट्राई करेंगे। तो बस हम लोग पहले ट्राई करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैं ये राफे सबसे पहले राफे मैगी का रिव्यू करेंगे। बैठे नीचे
थोड़ा इसमें सब वेजीज वगैरह सब मिक्स है, काफी अच्छा लग रहा है टेस्ट पुदीना का, और अच्छा लगा, काफी अच्छा टेस्ट है, डिफरेंट मजा आया बिल्कुल। ये मटन ट्राई करते हैं, मन तो देख से काफ़ी टेंडर उन्होंने कर दिया है आराम से। लाल मांस बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बिरयानी मैंने बिरयानी टेस्ट करी, जो उसमें स्मोकी टेस्ट आ रहा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। क्या बात है, काफ़ी टेस्टी है। जब मैं हल्दी नहीं, काफ़ी सॉफ्ट बन गया मटन। अब हम लोग हल्दी मास ट्राई करेंगे। दोनों का टेस्ट एकदम डिफरेंट है, मैगी और उसका तो रिव्यू आपने कर ही दिया। हम लोग यहाँ पे खाने का लुफ्त उठाते हैं, उसके बाद फिर आपसे एंड में जाके बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पे खाने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। लाल मास में काफ़ी मज़ा आया, और दूसरी बात जो मैगी थी वो भी ज़बरदस्त थी। क्या राफे कुछ कहना है? बिल्कुल, अगर आप सबको कुछ ना कुछ कुछ डिफरेंट खाना हो तो यहाँ ज़रूर आएँ। जो नॉर्मली हर जगह मिलता है उससे काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पर। ऑथेंटिक लाल मास है बिल्कुल। यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी अलग है, टेस्ट में भी फ़र्क है। तो कुछ चेंज आपको करना हो नॉर्मल फूड से तो यहाँ ज़रूर आइए। तो बस यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहें, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज़ लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफ़िज़।